तो मेरे थोड़े आइडिया विचार अलग हैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्योंकि मेरी अपनी जर्नी थोड़ी अलग टाइप की रही है सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी आई में वो है कि जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता एडवांटेज ये है इंडियन सिविल सर्विस की कि इट इज़ वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड ओवर डूइंग एनीथिंग इज नॉट गुड अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज ओवर डूइंग इट बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जो पहली बार भी बहुत कंफर्टेबली पास कर बहुत से लोग हैं जिनको कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है mm -hmm. बहुत से लोग हैं मेहनत करके भी नहीं पास करते तो लेटेस्ट नॉट क्रिएट अस्टिर टाइप की यही करना है बड़ी सरप्राइजिंग बात है जो यू पी एस सी के आंसर राइटिंग और एसर राइटिंग गाइडलाइंस हैं दे आर इ पब्लिक डोमेन यू पी एस सी खुद ही बोल रहा है आंसर में क्या चाहता था एक उन्होंने कहा था कि जो एक साल की साइकिल है एग्जाम की इसको कम किया जाए आई मे भी रॉन्ग मैं मेमरी से बात कर रहा हूँ तीसरी रिकमेंडेशन थी जो प्रेलिम का रिजल्ट है दैट शुड भी वैलिड फॉर टू और थ्री ईयर्स जिंदगी में जो आपको बनना है जो आपको चाहिए जो आपको होना है उसके लिए दिल से मन से और लगन से मेहनत करना क्योंकि एग्जाम्स आपको अटेम्प्ट दे सकती है पर जिंदगी नहीं जिंदगी में जो कुछ बनना है उसके लिए जो करना पड़े वो सब करना रिग्रेट मत करना हेलो हाय, नमस्कार फ्रॉम वायरल कलाकार एंड वेलकम टू अन स्वदेश फिल्म देखी है आपने जिसमें शाहरुख खान अपने देश आना चुनते हैं अपनी ज़मीनी स्तर के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं और उन पे काम करना शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट के खास मेहमान जो हैं उनकी कहानी भी सिमिलरली ऐसे ही हैं सुनील सर जो 1984 के आई हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन हावोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिया यूनाइटेड नेशन में खुद को सर्व किया फिर वो अपने देश आना चुनते हैं ज़मीनी स्तर पे काम करना शुरू करते हैं लबासना जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए वो मेंटोरशिप करते हैं लाखों एस्पोरेंट्स को उनके डेली टू डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं तो ये पॉडकास्ट बेहद ख़ास होने वाला है इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए कैसे आपकी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को मैनेज करने आना चाहिए और कैसे एक ट्रू आई एस होना चाहिए सो प्लीज वेलकम नाइनटीन के फॉर्मर आई ऑफिसर सुनील ओब्रॉय सर सो वी हैव सुनील सर फॉर्मर आई 1984 बैच पहले तो कोई भी कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि सर हमारे जन्म से पहले के ब्यूरोसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स के आइडियाज़ पे काम करते हुए एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं तो सर आप अपनी बड़ी सी जर्नी के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दें उसके बाद हम लोग अपने लिखे हुए सवालों पर जाएँगे मैं uh यूपी का रहने वाला हूँ एंड अनलाइर ऑफिसर्स Uh, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ अच्छा तो घर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ी किसी कारण से एंड uh, उसके बावजूद आई गॉट इन दी फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैं जिस दिन अकेडमी पहुँचा हूँ मेरी उम्र थी बाईस साल चार महीने की hmm. uh, तो मेरे थोड़े आइडिया विचार अलग हैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्योंकि मेरी अपनी जर्नी थोड़ी अलग टाइप की रही है वेस्ट hmm. बंगाल का मिला uh, शुरुआत हम लोगों हमेशा एस डी एम डी एम वगैरह से करते हैं वो फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा सबसे बड़ी चीज़ आ, जो मैंने देखी आई एस में वो है कि जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता एटलीस्ट मेरी अपनी जो पर्सनल कहानी हर तरीके से लोगों से मुलाकात हुई हर जगह जहाँ जहाँ मैं जाके पढ़ा सरकार ने मुझे बहुत जगह भेजा पढ़ाई करने के लिए आ, जितना सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम सरकार के लिए करेंगे सरकार उतना ही हमारे लिए करती है इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस मैंने क्योंकि बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया था इसलिए मेरी जो पहली पोस्टिंग थी देवर ऑल्सो एट अ वेरी यंग एज hmm. और इतना यंग था कि ज़्यादा आता आता कुछ था नहीं hmm. तो आई हैड टू लर्न एवरी थिंग ऑन माई ओन अकेडमी से निकलने के बाद hmm. अभी लोग 24-28 साल में अपियर करते हैं मैं 24 साल में एस डी एम था hmm. wow. तो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट जर्नी और कभी और तो और डिटेल में आप लोगों से बात होगी थैंक यू तो आ, सर ने जो कुछ भी सीखा सर्विस टाइम में सीखा ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस ये ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस आज आप लोगों को मिलने वाला है सो सर योर फर्स्ट इंस्पिरेशन इन बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर एवरीवन मैं आ चुका हूँ यूपीएससी आईएएस के ओ आर एन वाले सेंटर यहाँ पे यूपीएससी के तैयारी के लिए बेस्ड फैकल्टी मिलते हैं आपको वन टू वन मेंटोरशिप मिलती है और हमारे लर्नर्स के फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं तो इंग्लिश मीडियम के एस्परेंट्स के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर वाले सेंटर पे जो नया बैच हमारा है वो नाइनटीन अप्रैल से शुरू होने वाला है और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो मुखर्जी नगर से हैं उनके लिए हमारा नया बैच ट्वेंटी अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगर आप प्रयासों के शहर प्रयागराज से हैं तो आपके लिए फिफ्टींथ अप्रैल से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है तो आज ही हमारे सेंटर पे आए काउंसलर से बात करें और अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक अनर्जेटिक पुश दें आ, सारे सेंटर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं मैं कोई इंडिविजुअल इंस्पिरेशन मेरी नहीं थी लेकिन जहां हम रहते थे बचपन में तो हमारे घर के बगल में एक तरफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बंगला था एक तरफ कमिश्नर साहब रहते थे एक तरफ डी रहते थे तो हम बचपन से वो बंगले देखते आए थे और सोचते थे कौन रहता है और उनको देख के लगा कि पता नहीं कौन लोग रहते होंगे तो अल्टीमेटली खुद हम भी खुद रहने लगे वो कहते हैं ना कि गरीबी से परेशान होकर के हमने मेहनत शुरू करी उस तरीके से सोच लीजिए ओके सर अभी आप बता रहे थे कि इंडिया में जो आई और सिविल सर्विस का वर्क कल्चर है वो अलग है सो यू वर्कड एज अ वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज़ जहाँ आपने सर्व किया तो वो जो डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं तो इंडियन ब्यूरोसी में ऐसा क्या है जो आपको वेरियस बॉडीज़ में नहीं मिला या क्या डिफरेंट है कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं ओके नेगेटिव अगर आप इस चीज़ को लें hmm. अब इंडियन सिविल मैं आई की बात करूँगा hmm. कि आपके लिए काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं छोटी छोटी बातें पानी पीना कोई पानी देने के लिए है कुछ करना है कोई और है इंटरनेशनल बॉडीज़ में बहुत फ़र्क है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन इतना लंबा चौड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है एडवांटेज ये है इंडियन सिविल सर्विस की कि इट इज़ वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती आफ्टर अ पॉइंट बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल बॉडीज में जाके थोड़ा शुरू में सोचना पड़ता है देखना पड़ता है क्या करें ना करें बट मैं कहूँगा कि दी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड एक्सपोजर इन इंडिया अगर किसी का हो जाए और बहुतों का होता है आई थिंक दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट वी कैन हैव दैट इज आप पर्सनली किसको लाइक like करते हैं मैं इंडियन डेफिनेटली यस सर अकेडमिक स्टडीज इन इंडिया और अब्रोड डज इट इन्फ्लुएंस योर अप्रोच टू गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक पॉलिसीज इट डज इट डेफिनेटली डज क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट हमारे टाइम में hmm. जो भी गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी सीखी दैट वाज वेरी इंडिया सेंट्रिक और अगर मैं बाहर जाके कहीं पढ़ता हूँ वही चीज़ दे ना हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर इसको हम लोग सरकार में बोलते हैं कि दैट वी लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसज ऑफ बोथ इंडिया एंड ऑफ दी लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो उसको अगर हम मतलब मिक्स अभी जैसे आप देखिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है hmm. मैनी ऑफ देंट है तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थिंक बिग एग्जाम्पल अगर आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो और डोमेस्टिक हो यू कैन एक्चुअली कम आउट विदेरीस्टिक सर आप जिस समय से सर्व करते रहे हैं सिविल सर्विसज को आज नए दौर में आप मैंटोरशिप भी करते हैं आप लेक्चर भी लेते हैं मोटिवेट करते हैं आज के दौर में और तब के दौर में बहुत सी चीज़ें थी टेक्निक्स नहीं थे बहुत सी कल्चर तरीके से वर्क मैनेज uh, नहीं होता था तो आपके टाइम में आपने क्या क्या चैलेंज फेस किया ड्यूरिंग द ड्यूरिंग योर ट्रेन्योर और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लगी जो अब थोड़ा हो सकता है आसान हो देखिए आसान मेरे ख्याल से अभी डेफिनेटली है बिकॉज uh, अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई खबर चाहिए इट इज़ अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स हम लोग को करना पड़ता था इधर थ्रू एक्सपीरियंस कि पहले किसी ने क्या किया होगा या फिर अपना दिमाग लगा के Hmm. अब मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा था बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या आपको दिमाग लगाना है आपने खुद करना है hmm. अभी आराम हो गया है बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल वेरी इजिली बट ऐसा आराम मुझे नहीं लगता कि इट शुड बी इट शुड बिकम द नॉर्म अ सिविल सर्वेंट शुड थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड एक्ट तो मैं कहूँगा कि मेरे टाइम में जो भी था जो भी चैलेंजेस थे वी फेस थे बिकॉज ऑफ आवर ओन थिंकिंग Hmm. not because of any outside influence not because of technology not because of the internet is zyada satisfying tha to wo i think so i think so ha khud sochna is very satisfying yes hmm. आज के दौर में जहाँ मतलब social media और बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं जो एक इस service को बहुत मार्केटाइज और बहुत मैनेज तरीके में दिखाता है लाइक yes. like, अगर कोई गांव का बच्चा वीडियो देख रहा है कि एस डी एम साहब आ रहे हैं दस काफिला है चश्मा लगाए हैं थोड़ा भोकाल है और है जिसकी hmm. हम बात कर hmm. रहे थे इज दिस गुड और इज दिस इन्फ्लुएंसिंग द न्यू एस्परिंट्स ओवर डूइंग एनीथिंग इज नॉट गुड अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज ओवर डूइंग इट Uh, और सोशल मीडिया को अकेला ब्लेम नहीं करूँगा बहुत से हमारे जूनियर सिविल सर्वेंट हैं जो भी मतलब सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहते हैं mm -hmm. थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से भी थोड़ा इंट्रोस्टेक्शन करना होगा कि इस टाइप का और क्रिएट करना कितना ठीक है कितना नहीं mm -hmm. क्योंकि नोइंगली या अन आप एक और ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल है तुमसे नहीं होगा सो दरा शुड बी क्रिएटेड लिमिटेड टू द ट्रूथ जो सच्चाई है उसको दिखाइए कोई यंग सिविल सर्वेंट सड़कों पे घूम रहा है उसका वीडियो आ गया कोई पेड़ के नीचे खड़ा है उसका वीडियो आ गया hmm. तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव पंचायती राज व्यवस्था में कुछ वो कर रहे हैं एसडीएम साहब <laughs> तो वो फोटो वायरल हो गई आपको मैं कितने वीडियो दिखा दूंगा ऐसी सड़क पर टहल रहे वो भी वायरल हो गया अकेडमी hmm. में पेड़ के नीचे खड़े वो भी वायरल है यूपीएसए के बाहर खड़े वो भी वायरल है तो आप बहुत पुराने हैं इन सब चीजों को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं आप नए एस्परिंट से भी मिलते हैं क्या लगता है क्या डिफरेंट है इट्स अ गुड एनर्जी और अब आप आपको लगता है कि आपके जनरेशन के जो लोग थे जो जेनविनली यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे उनमें और अब के यंगेस्ट एज के लोगों में एस्परिंट्स में क्या डिफरेंस दिखता है और इज इट अ गुड और लाइक कैसा लगता है देखिए कई लोग मुझे कहते हैं कि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है हुँ. मैं ये नहीं मानूंगा मैं ये कहूँगा कि आज कितनी कंपटीशन है वो इजीली लोगों को पता चल रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इंटरनेट वगैरह हमारे टाइम ये सब था नहीं तो पीपल सीम टू इमेजिन कि हमारे टाइम में कंपटीशन कम था mm -hmm. uh, हमारे टाइम में जहाँ तक मुझे याद है जनरल कैटेगरी के लिए मैक्मम एज वॉज ट्वेंटी सिक्स अटैम तीन थे तीन थे ऑप्शनल दो थे mm -hmm. uh, प्रेलिम में एक ऑप्शनल हुआ करता था तो नंबर वन आई थिंक दैट द एग्जाम वॉज अ लिटल मोर कॉम्प्लेक्स देन टुडे दूसरा जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा जो हाइप दैट इज़ बीन क्रिएटेड मुझे लग रहा है कि वो बच्चों का नुकसान ही करेगी फायदा नहीं करेगी आई थिंक टुडेज एस्पिरेंट्स शुड बी लेड इन टू अ वेरी मीनिंगफुल डायरेक्शन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय जो लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं रादर देन क्रिएटिंग दिस हाइप एंड और तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है दैट दी यूथ एनर्जी है नो डाउट अब इतने लोग यहीं करोलबाग में आप देख लीजिए बट एनर्जी आई थिंक इज मिसडेड और बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनको बस डायरेक्शन अगर हम दिखा दें दैट इज इनफ पढ़ लेंगे खुद ही को लेकिन वो हम ना होने देते और ना चाहेंगे कि हो क्योंकि बहुतों का धंधा बंद हो जाएगा मैं तो देख रहा हूँ मैं तो देख ही रहा हूँ विद दैट पॉइंट कि जितना माहौल बना हुआ है जितना ओवरफ्लोडेड नॉलेज है एक्सपीरियंस है यूपीएससी को लेकर के जिस तरीके से है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है इतना इतनी मेहनत करनी होती है वॉट डू यू थिंक सर एक एसप्रिंट जो यू या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है पास करना चाहता है uh, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए लाइक like, वो बहुत स्टूडियस होना चाहिए कि कहते हैं लोग एक कमरे में बंद करके तैयारी करो जब तक से रिजल्ट ना आ जाए या कैसा होना चाहिए लाइफ देखिए सबसे बड़ी बात है कि वी कैन नॉट क्रिएट अ स्टीरियो टाइप कि ऐसा ही होना है हर इंसान की जर्नी अलग है अब बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जो पहली बार भी बहुत कंफर्टेबली पास कर गए बहुत से लोग हैं जिनको कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है बहुत से लोग हैं मेहनत करके भी नहीं पास करते तो लेट अस नॉट क्रिएट अ स्टीरियो टाइप की यही करना है hmm. एक चीज़ अच्छी मुझे याद आ गई इससे अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं दे आर गाइडेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या कहा मेंटर ने क्या कहा टॉपर ने क्या कहा तो वह एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दे डू नॉट लुक एट देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और हमारे पास तो यह सब था नहीं तो हम पहले देखते थे हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारी कमजोरी क्या hmm. जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करते थे जो कमजोरी है वी टू ट्राई टू रिड्यूस इट टू दी

अभी के जनरेशन में जो नए लोग आ रहे हैं जिस तरीके से वर्क प्रोफाइल बढ़ रहा है जिस तरीके से उनको वर्क दिया जा रहा है आप इन चीज़ों कैसे देखते हैं जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, है मुद्रास्फीति बढ़ रही है क्या यंगेस्ट आई एस आर गेटिंग पेड गुड और आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत है करने की इस फील्ड में देखिए आज एक प्रोफेशनल जैसी अकेडमी में जाता है उसको करीब छप्पन हज़ार रुपये मिलते हैं बाकी सब फ्री है एक्सेप्ट खाने का बिल देना पड़ता है हमें इस बिल hmm. आप नए नए एस बन के जाते हैं आपका बंगला फ्री है गाड़ियाँ फ्री हैं ड्राइवर बॉडी माली कुक फुली फर्निश्ड बंगलो इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फ़ोन फ्री है नेट फ्री है खर्चा कहाँ है आपका बिकॉज hmm. अगर आप ये सारे पर्कस को ले लें नो अदर जॉब इन दिस कंट्री विल ऑफर दिस मैनी पर्क स्पेशली एट दी एंट्री लेवल

<laughs> मतलब मैं कह रहा हूँ जितने यंगेस्ट एस डी एम जो डिप्रेस होते हैं कि प्रमोशन चाहिए और पैसा बढ़ जाता तो जब तोइन करिए आपको पता था क्या मिलेगा तो बाद में आप क्यों परेशान हो गए यू मेड अ एंड इनफॉर्म चॉइस कि मैंने ये सर्विस ज्वाइन करनी है आपको पता है सैलरी क्या है आपको पता है पर्स क्या है तो बाद में अगर कोई कहे कि ये बढ़ना चाहिए वो बढ़ना चाहिए आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर ओके सर एक सवाल है कि हम सब जानते हैं इट्स ओब्वियस जब या तो आपका टाइम पीरियड हो या हमारे एज के टाइम पीरियड यूपीएससी यू पी इज़ अ टफ एग्ज़ाम पर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज और आफ्टर सर्विस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू कि आपने कैसे किया लाइक like तैयारी के दिनों में और सर्विस पीरियड में <coughs> मेरी दो तीन एडवांटेज थी वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग Hmm. मुझे वैसे ही पढ़ाई लिखाई का शौक है सॉरी वैसे ही पढ़ाई लिखाई का शौक मुझे At वैसे शौक, भी शौक okay. तो इट वाज नॉट अ बर्डन फॉर मी ओके मैं वैसे ही बहुत पढ़ता था wow. आज भी पढ़ता हूँ hmm. दूसरा मेरे राइटिंग स्किल्स वर क्वाइट गुड आज भी माय मेमोरी वाज क्वाइट गुड तो ये तीन मेरी बहुत बड़ी एडवांटेजेस थी जो नेगेटिव्स थे कि कई बिल्कुल नई चीज़ें पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रही एक्सेट्रा तो आई स्टॉट वरिंग अबाउट दी नेगेटिव एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी पॉजिटिव और क्योंकि मैं प्राइवेटली ग्रेजुएशन कर रहा था मैं घर पर रहता था देवर प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी लेकिन मैं उतना ही पढ़ता था, था जितना मेरा दिमाग एक टाइम में ले सके अब मेरा अगर दिमाग का थ्रेश होल्ड है चार घंटे पढ़ाई का आप कहें कि दस घंटा पढ़ो mm. चार घंटे की बात की पढ़ाई मीनिंग लेस क्योंकि घुसे का नहीं दिमाग तो आई वुड ब्रेक माई स्टडीज लाइक दैट तो दे वॉज वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज आई वॉज जस्ट स्टडिंग Hmm. और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब इट इज़ अ मिथ के आई एस ऑफिसर्स का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है गलत है hmm. किसी भी नौकरी में वर्क लाइफ बैलेंस कभी ना कभी गड़बड़ाता है इन सर्टन स्पेशल अब जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं आई एस विल गेट वेरी बिजी थोड़ा वर्कलाइफ बैलेंस बिगड़ेगा कोई डिजास्टर हो गया बाढ़ आ गई अर्थक्वेक आ गई लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा कोई सीरियस लॉन्ट आउट ऑफ प्रॉब्लम आ गई जो कई दिनों तक खिंच रही है तब बिगड़ेगा बट अदरवाइज इट्स अ रूटीन लाइफ हम भी कभी कभी सारा दिन ऑफिस में बैठ के वही फाइलें साइन करते हैं जैसे बाकी दुनिया करती है hmm. तो अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाए दैट इज अ पार्ट ऑफ एनी जॉब तो ये कहानियाँ मतलब जो एन आउटसाइडर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट इज इवन इन इन एन आई एस ऑफिस लाइफ देर आर मैनी डेज विच आर वेरी नॉर्मल वेरी रूटीन

अर्लियर डेज़ में वेस्ट बंगाल कैरेट मिला था तो वॉट योर एक्सपीरियंस जिसने आपको शेप किया आपकी लाइफ को मीनिंगफुल लाइफ बनाया देखिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं एस डी एम बना साढ़े चौबीस साल मेरी उम्र थी और एकेडमी की पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ आता आता नहीं, नहीं था हाँ। अच्छा मैं हूँ थोड़ा अर्बन अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से तो मुझे गांव वाँव क्या होता है ये सब उतना आइडिया था नहीं थोड़ा बहुत आइडिया एकेडमी ने दिया था उसके अलावा okay. तो मैं जब शुरू में लोगों से इंटरेक्ट करता था मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी बिकॉज दैट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड वो गाँव से आ रहे हैं रिलेट नहीं कर रिलेट नहीं, नहीं कर पाता था। yes. था। तो जब एक दिन एक बहुत बुरा सा आदमी आया मेरे पास और मुझे बोला कि सर मेरी बकरी चोरी हो गई hmm. अब मेरे जैसे hmm. आदमी किसी की बकरी चोरी हो गई पहला तो क्या हो गया ये रिएक्शन दूसरा अगर चोरी होगी तो मैं क्या करूं हाँ मेरा काम थोड़ी यही है आ, ये। और तीसरा सब बकरियाँ देखने में एक जैसी तो कहाँ से ढूंढ के लगे फिर मैंने जब सोचा मैंने कहा आदमी फिर मैंने से पूछा कौन से गाँव से आए तो मैंने कहा कितना दूर है बोला साठ किलोमीटर तब तो मुझे लगा कि अगर साठ किलोमीटर एक बकरी को लेके आया एस डी एम के पास इसके लिए वो बकरी बहुत ही कीमती चीज़ होगी फिर जब समझ में आया तो हमने किसी गवर्नमेंट स्कीम से उसको एक और बकरी दिलवा दी एंड देन आई रियलाइज्ड कि कभी दूसरे की समस्या को अपनी नज़रों से ना देखो और जैसे ही मैंने दिस वॉज माई बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न जो तब तक कभी ना जरूरत थी ना कभी मैंने सोचा कि दूसरे की प्रॉब्लम को अपने hmm. किसी और की नज़र से देखना ये मतलब स्टोरी ही अपने आप में बहुत यूनिक है कि अगर 60 किलोमीटर तक कोई चल के आता है तो उसके लिए एक बकरी के लिए हाँ सर अब हमारे जैसा शहरी आदमी उसको समझ में नहीं आएगा बट द मोमेंट ही सेट के 60 किलोमीटर से आया हूँ तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है क्यों आया 60 किलोमीटर से Wow. आप तो सर मतलब मिंट भी हो नए यंगेस्ट एस डी एम आई एस आई पी एस को क्लोजली वॉच करते हो क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होता है जिनका सिलेक्शन हो जाता है और जिनका सिलेक्शन समहाउ फॉर दैट एनी रीजन नहीं हो पाता है uh, यहाँ तक मुझे याद है यूपीएससी का जो डाटा है hmm. वो कहता है कि मैक्सिमम सेलेक्शन हैपन इन द फर्स्ट टू अटैम्प्ट बाकी जो तीसरी चौथी पार्टवी छठी जो भी अटैम्प्ट उसमें उतने सेलेक्शन नहीं होते हैं hmm. तो अगर यूपीएससी कह रही है कि मैक्सिमम सेलेक्शन आर इन दी फर्स्ट टू अटैम्प्ट इसका मतलब ये लोग कुछ ना कुछ ठीक कर रहे हैं hmm. hmm. तभी पहली बार में हो रहा है तभी दूसरी बार में हो रहा है hmm. अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको आप समझेंगे लेटेस्ट है कि आपने एग्ज़ाम दिया इस बार पास नहीं करें hmm. लोगों ने आपसे कहा कि भाई तुमको और पढ़ना चाहिए था आपने दोबारा फिर पढ़ा और भी पढ़ा फिर फेल कर गए फिर किसी ने कहा भाई तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तुम ठीक से पढ़ो फिर आपने वही किताबें तीसरे साल पढ़ी फिर भी नहीं हुआ अब इसमें हो क्या रहा है कि यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो बट जो बाकी बातें हैं कि एग्ज़ाम का नेचर कैसा है पैटर्न कैसा है प्रीवियसर क्वेश्चन कैसे आते थे मेरे राइटिंग स्किल हैं कि नहीं अभी एक लड़की ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी बेंगलुरु में तो वो कोई आंसर लिख के लाई थी मैंने कहा ये इस टाइप के आंसर से नहीं चलेगा इंप्रूव करना पड़ेगा hmm. तो मैंने कहा तुम जहाँ से आई हो कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहाँ आंसर राइटिंग होती है hmm. तो बोली नहीं तो बोली हमको तो बोला गया था बस कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो पास कर जाओ रियलिटी <laughs> सर <laughs> uh, तो मेरा जिन लोगों का नहीं होता है दे आर मोर इंपॉर्टेंट कि क्यों नहीं होता है जिनका हो गया उनका तो हो गया Hmm. तो दे मस्ट रिओरियंट देयर वे ऑफ थिंकिंग एग्जाम को ध्यान से देखें पहचानें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं किसी और दिन अगर हम मौका लगा तो बैठेंगे एंड आई विल शो यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऑन आ स्क्रीन के 50 परसेंट क्वेश्चन यू में ऐसे हैं कि जिनमें पढ़ाई की जरूरत नहीं एंड आई विल प्रूव इट ऑन स्क्रीन आप अगली बार कभी बुलाएं मुझे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन Hmm. एक सवाल था यूपीएससी में एथिक्स में कि वॉट डज हैप्पीनेस मीन टू यू अब इसमें कौन सी थ्योरी की जरूरत है वॉट डज हैप्पीनेस मीन टू यू थॉट लाइक क्या आप अपना हाँ, विचार रखते हैं हाँ. इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन मतलब जैसा मैंने कहा कि मिस गाइडेड एनर्जी इज नो एनर्जी डेफिनेटली और ये बात जो लोग पहली दूसरी अटेम्प्ट में पास करते हैं दे शुड दे नो बेटर अब उनसे पूछिए आप पहली बार में कैसे पास कर गए मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जवाब परफेक्ट होगा hmm. लेकिन दैट विल बी समथिंग दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि दिमाग में ये ना लेके चले कि छः साल पढ़ना है hmm. जहाँ आपने वो एटीट्यूड ले लिया वहाँ पहली दो तो एक बार कहेंगे वो तो हमने ऐसी एग्जाम दे दिया था देख रहा था एग्जाम। देख रहा था सोच रहा था ऑफ कोर्स यस यस सो दिस माइंडसेट डेफिनेटली मस्ट चेंज आप बहुत क्लोजली देख रहे होंगे एग्जाम्स को पैटर्न्स को तैयारी को बदलते एस्पेक्ट्स ऑफ यूपीएससी को वट इज अ गुड एंड वट इज अ बैड जब आप थे तैरी के दिनों में और जब आप देखते हैं तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स को गुड एंड द बैड इन दिपरेशन और इन द एग्जाम ओवरऑल दैटर्न द एग्जाम एवरी देखिए जहाँ तक एग्जाम का पैटर्न है अभी यूपीएससी ने थोड़ा इक्वलाइज करने की कोशिश hmm. करी है कि सारे पेपर hmm. कॉमन है एक्सेप्ट नॉन ऑप्शनल ये ये मेरे ख्याल से बेहतर आइडिया होगा कि ऑप्शनल को अबॉलिश करके hmm. एक और जी एस पेपर डाल तो सबके लिए इक्वल हो जाएगा hmm. आप इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं मैं कौन हूँ नंबर वन नंबर टू सी सेट मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि इसकी क्या जरूरत अच्छा इन सेंस आई हैव फाउंड नो एप्लीकेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ एग्जाम एनी अब हो सकता है मैं गलत हूँ uh, अच्छी बात जो यूपीएससी कर रहा है कि वेरी स्मार्टली दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ क्वेश्चन कोचिंग इंस्टीट्यूट आस्क वो इतने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं कि फिर उसकी जरूरत थी कोचिंग वोचिंग का कोई मतलब ही नहीं बना हाँ, हाँ। वो ब्रिंगिंग और उसके थॉट अप्रिंगिंग कितनी जल्दी सोच पा रहे हो हुँ, हुँ, हुँ. मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड प्रिपरेशन आंसर राइटिंग पढ़ाई अपनी जगह हर एग्जाम के लिए पढ़ना बट आई थिंक आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आपको एक जीएस पेपर जी एस पेपर परीन हजार वर्ड लिखने हैं तीन घंटे में मतलब अबाउट नाइनटीन वर्ड्स अ मिनट लिख लिखवाएंगे ये कोई नहीं सोचता एस पेपर में कितनी एडवांटेज है आपको मैक्सिमम लिखने हैं दो हज़ार चार सौ वर्ड और टू एस एस मीनिंग एटलीस्ट अ थाउजेंड वर्ड्स लेसर देना जी एस पेपर उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते तो मैं उम्मीद करूंगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि गोइंग टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स पढ़ाई अपनी जगह है जैसा तो एग्ज़ाम है तो पढ़ना है बट अनलेस थी एग्जामिनर को नहीं मालूम आप कितने घंटे पढ़ते थे उसको ये भी नहीं मालूम कितनी किताबें पढ़ते थे उसको ये नहीं मालूम कोचिंग ली, hmm. उसको इतना ही मालूम है तुमने तो लिखा क्या? Hmm. ये बात याद रखनी जरूरी है yes. कि आप कौन hmm, 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 hmm. hmm. हमने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए तो एज यूज सब लोगों का ये व्हाट विल स्ट्रेटजिक और पैटर्न फॉर राइटिंग ऐसा क्या एलिमेंट्स टूल्स होने चाहिए जो बेटर भी एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है जो यूपीएससी के आंसर में क्या चाहता है तो अगर वो गाइडलाइन एक एक्सपीडेंट के लिए है वही गाइडलाइन एक एग्जामिनर के लिए तुमको वो देख के लिखना है गाइडलाइंस मैंने

बट uh, जैसे मैंने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है ऑन जेंडर इन सिविल सर्विसेज उसको बेस करके हमने अपने जो सिविल सर्विस के कानून वगैरह हैं hmm. उनमें बहुत कुछ देखा कि जेंडर बायस है कि नहीं काफ़ी कुछ चेंज हुआ hmm. uh, हमारी जो कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी ऑफ सिविल सर्विस है hmm. उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा मतलब मेरा ज़्यादातर काम रहा है आफ्टर अ पॉइंट रिगार्डिंग सिविल सर्विस रिफॉर्म इंक्लूडिंग मेनली जेंडर इन सिविल सर्विस कि जो लड़कियाँ आ रही हैं सिविल सर्विस में जेंडर hmm. इक्वालिटी है कि नहीं है और हमारे रूल्स और लॉज में इक्वालिटी है तो आई वर्क प्राइमरली ऑन जेंडर एंड सिविल सर्विस रिकॉर्ड और काफ़ी कुछ चेंज आया उसकी वजह से जैसा हमारे आ, इंडिया का सिस्टम है जिस तरीके से पार्टीज़ वर्क करती हैं जिस तरीके से उनका इन्फ्लुंस होता है सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट्स पे या फिर जिस तरह से आई ए एस आई पी को लोकल पार्टीज के साथ मिल करके समन्वय बिठा के काम करना पड़ता है तो इज पोलिटिकल पार्टी पार्टी तो वॉट इज टफर टू वर्क विद इन अ स्मॉल सिटीज और अ मेट्रोपोलिटन सिटीज आई डोंट थिंक इज टू मच डिफरेंस एटलीस्ट मेरी लाइफ में लेकिन यहाँ पे भूल जाते हैं कि हम पोलिटिकल पार्टी को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं कि उनके साथ काम करना मुश्किल लिए अच्छा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जैसे hmm. हमको तो पहले ही पता है पहले ही पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दी दोलिटिकल एग्जैक्टली सुप्रीम तो अगर हम ये बात समझ लें दैट वी आर इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो ये जो झगड़े हैं खत्म हो जाएंगे hmm. उसके बाद आप चाहे दिल्ली में काम करें या गाँव में करें इट विल मेक नो डिफरेंस एज यूजल प्लान बी को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होते हैं <coughs> या तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एस्पेक्ट्स ऑफ करियर में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यहाँ जाना है तो लोग कहते हैं प्लान भी ले लो कोई कहता है प्लान भी मत ले लो अगेन ऑफ ओपिनियन हो सकता है दोनों ओपिनियन ठीक हो लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है no B, hmm. तो मुझे लगता है अगेन आई मे बी रॉन्ग लेकिन मुझे लगता है कि प्लान बी होने से थोड़ा लेवल आ जाता hmm. कि ठीक है ये नहीं हुआ तो वो देखा जाएगा वो करेंगे hmm. ये करेंगे आई हैड नो लेवल तो जैसा मैंने कहा मेरा पूरा फोकस वही था और हुआ सर डू यू थिंक यू पी एस सी और दिस पार्टिकुलर सर्विस इज ओवर हाइपड इन इंडिया कि भाई कलेक्टर साहब हैं इट्स अ वर्क इट्स अ सर्विस वर्क तो आपको लगता है ये ओवर हाइप है क्योंकि फिल्में बनती हैं सीरीज बनती हैं आई आई डेफिनेटली डेफिनेटली थिंक थिंक सो सो मैंने पहले भी आपसे कहा हुँ. कि ये जो हाइप क्रिएट हुई है इसमें बहुत सारे लोग हैं वो गिल्टी चाहे वो टॉपर हों चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हों चाहे ये सिनेमा हो ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो आपने देखा है कोई कॉन्टेंट मैं नहीं देखता नहीं देखता बिकॉज आई डोंट आइडिया ओवर हाइप किया जाए

हाँ. आपके सारे सवालों में ये बड़ी अच्छी चीज है कि ओपिनियंस कैन बी डिफरेंट अब जिस, में, जिस opinion पे आपको रहना yes. बिल्कुल hmm. बिल्कुल और एक बात ये बात अगर आपको समझ में आ गई hmm. कि ओपिनियंस आर डिफरेंट आप के ओपिनियन देखें बट फाइनली मेकअप योर ओन माइंड ये अगर समझ में आ गया तो आपका फिफ्टी परसेंट मोर लाइक टू लोकतंत्र

सिविल सर्विस इन इंडिया पूरे वर्क प्रोफाइल में भाई अभी जहाँ तक मुझे याद है एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने दो चार सजेशन दिए थे एक उन्होंने कहा था कि जो एक साल की साइकिल है एग्ज़ाम की इसको कम किया जाए जो टाइम लगता जो है एक साल पूरा एक साल लग, लग जाता है दिस वाज वन रिकमेंडेशन दूसरी रिकमेंडेशन थी जहाँ तक मुझे याद है कि ये एग्जाम साल में दो बार होना चाहिए छः महीने छः महीने की साइकिल कर दीजिए साल में दो बार करिए तीसरी रिकमेंडेशन अगेन आई मे बी रॉन्ग मैं मेमोरी से बात कर रहा हूँ तीसरी रिकमेंडेशन hmm. थी कि जो प्रेलिम का रिजल्ट है दैट वुड बी वैलिड फॉर टू और थ्री इयर्स तो आई थिंक आई डेफिनेटली अग्री और भी अभी बहुत सी बातें उठी है कि एज लिमिट को वापस कम किया जाए वगैरह वगैरह अटेम्प्ट्स पे भी बहुत सारी बातें होती हैं अटेम्प्ट्स पे बहुत सारी बातें हुई हैं तो वहाँ मैं नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज दैट विल बी डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारा कुछ कहने hmm. का है नहीं अब बट डेफिनेटली ये जो ड्यूरेशन ऑफ़ द एग्जाम वन ईयर इसको काटना कम करना चाहिए साल में दो बार एग्जाम होना आई थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया और प्रीलिम का अगर स्कोर वैलिड रहे कम से कम दो साल आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया तो ये चेंजेस मैं जरूर और जो मैंने एक आपसे पहले कहा कि अगर ऑप्शनल को अबॉलिश करके एक और जी पेपर ले आया जाए ब्रॉडली बेस्ड ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह आई थिंक दैट विल क्रिएट अ वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड वट इज अ रोल ऑफ डिसिप्लिन इन प्रिपरेशन डेज एंड आफ्टर सर्विस देखिए जहां तक डिसिप्लिन का आजकल मैं कभी कभी कोई मुझे कहता है कि फलाना बच्चा सुबह तीन बजे उठ के पढ़ता है हाँ हाँ. चौदह घंटे पढ़ता है सोलह घंटे हाँ. पढ़ता है आई डोंट थिंक दैट इज डिसिप्लिन मैं अपनी एग्जांपल से फिर बोलूंगा मेरा डिसिप्लिन लिमिटेड था कि मैं चार पाँच घंटे रोज पढ़ सकता हूँ बट आई नेवर ट्राई टू इम्पोज कि मुझे सुबह चार बजे पढ़ना है या रात को बारह बजे पढ़ना है हुँ. मेरा डिसिप्लिन था कि मैंने चार से पाँच घंटे रोज पढ़ना एट एनी कन्वीनियंट टाइम इन द डे तो ये डिसिप्लिन के नाम पे डोंट इम्पोज ऑन योर कि चार से पांच घंटे mm -hmm. okay. बहुत एक्सपीरियंस है आपको बहुत क्लोजली आपने मॉनिटर किया है बहुत सालों से किया है आज के जनरेशन में जो छे अटेम या जो कई साल लगा देते हैं यूपीएससी युपे के प्रिपरेशन में और सम हाउ लाइकली विद एनी रीजन वो फेल हो जाते हैं लाइक like, उनका सिलेक्शन या सिविल सर्विस में नहीं जा पाते हैं वॉट यू सजेशन टू बी आप आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यू से छ अटैम्प्ट देने के बाद उनको करियर परस्यू करना चाहिए या किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए देखिए कभी कभी मुझे लगता है कि छः अटैम्प्ट अगर आपने दी hmm. तो इसका मतलब करीब आप आठ साल पढ़े होंगे करेक्ट एंड एट ईयर ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ एंड यू आर स्टिल यंग वैन यू कैन डू सो मेनी अदर थिंग्स तो मुझे नहीं लगता कि ये दिस इज़ मॉरली करेक्ट मतलब सुनो और लेटर आपको भी रिलाइज़ कर लेना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा तो मैं तुरंत कुछ और देखूँ अब बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों के आते हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है घर में इनकम की ज़रूरत है हुँ. लेकिन जो एस्पिरेंट है बच्चा है वो आठ साल से लगा हुआ है आई वुड से कि ना ही करें तो अच्छा है दो तीन अटैम्प्ट के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है यूड एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सम समनेटिव अगेन मिसगाइडेड एनर्जी वाली बात आ गई और या तो आप इमीडिएटली देखें मैं गलत क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उसको ठीक करें बस वो अगर नजर आ जाए आई विल अंडरस्टैंड लाइक आठ साल या सात साल बर्बाद करना ही क्यों है तो ऑब्वियसली कि यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक एवरी ईयर तो द सुनर यू रिलाइजी क्या है आई थिंक द प्रॉब शुड सोल्व इट सेल्फ तो जैसे वी वी टॉक्ड अबाउट ओवर बिज गाइडिंग एनर्जी ओवर हाइप के कारण बहुत सारे गांव में या छोटे स्मॉल सिटीज़ में जिस तरीके से कलेक्टर साहब का बोकाल होता है फैमिलीज़ अपने बच्चे को पुश करती है कि लाइक आप इसकी तैयारी करो आपको लगता है इंडिया में ओवर फोर्सिंग है पेरेंट्स का थॉट्स बच्चे के लिए ड्रीम्स इंडियन पेरेंट्स की एक आदत बड़ी अजीब सी है जो मैंने देखी है कि अपना एम्बिशन बच्चों के ऊपर थोप दो थो। hmm. तुम इंजीनियर बनना है आई में जाना है डॉक्टर बनना है आई बनना है ये बनना है वो बनना है hmm. जब तक पेरेंट अपने बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं देखेगा देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि बच्चा सक्सीड करेगा चाहे आई में हो चाहे आई में, में हो चाहे मेडिकल में हो hmm. तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी पेरेंट्स से कि दैट यस दे चिल्ड्रन आर बीइंग फोर्स्ड अब कोटा में इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं बच्चे जो वहाँ आई मेडिकल पढ़ने जाते हैं वो सुसाइड हो रहे हैं क्योंकि बच्चे को पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा पर वो घर पे बता नहीं सक घर पे नहीं बता पा रहा अब सिविल सर्विस वही है अगर आ, या तो आप मान लीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे और या जल्दी जल्दी अपनी गलती को रेक्टिफाई करें और आगे बढ़ राइट right. ये आ, पेपर्स को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं एस में न्यूज़पेपर्स को लेकर के न्यूज़पेपर रीड करना है एडिटोरियल पढ़ना है क्या बदलाव है सर आपके टाइम में और अभी के टाइम में लाइक डू यू थिंक इट्स मोर अपडेटेड वर्जन अभी एडिटोरियल्स में या पहले ज़्यादा डिटेलिंग होती थी या उस तरीके से चीज़ें होती थी देखिए मैं आई बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि उस टाइम में आल्सो मोर मेच्योर यस अभी दो एक न्यूज़पेपर है आप देखिए वो तो लगता है कि न्यूज़पेपर है नहीं <laughs> वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का न्यूज़पेपर पेपर है मैं yeah. आप समझ रहे हैं मैं किस पेपर की बात Definitely, कर रहा हूँ यू नो इट डज नॉट मैटर आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं व्हाट मैटर्स इज कि उसमें आप ठीक न्यूज़ पिकअप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज नो न्यूज़ पेपर विल गिव यू एवरी थिंग और बिफोर आई फगेट सबसे बड़ी बात है कि डोंट ट्राई टू बी हंड्रेड परसेंट परफेक्ट कि मुझे सवाल सवाना चाहिए नहीं आएगा hmm. आज मैंने आपसे कहा हिंदू पढ़िए तो आपने हिंदू पढ़नी शुरू कर दी कल कोई कहेगा कि आप इंडिया न्यूज़ पढ़िए आप पढ़नी शुरू कर दी इट डजंट वर्क अब जो भी वो ऐसा न्यूज़पेपर पेपर पकड़े जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए एंड एज आई सेड के सबसे इम्पोर्टेंट तो है हाउ टू पिक अप द इम्पोर्टेंट न्यूज एंड एडिटोरियल अच्छा एवरी एडिटोरियल विल नॉट बी मीनिंगफुल फॉर द एग्जाम कई होंगे कई नहीं होंगे दीज आर दी काइंड ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू डेवलप इन दी एस्पिरेंट्स ओके कि अपने आप देखो कितना रेलिवेंस है अपने आप ठीक करो मैंने आपसे पहले भी कहा अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें इन द वे दैट वी टीच दी एस्पिरेंट्स आई थिंक बहुत भला होगा एस्पिरेंट्स आपने कहा कि इट्स नॉट नेसेसरी टू बी परफेक्ट यू कांट बी परफेक्ट यस पर इंटरव्यू में ओवर प्रिपेयर्ड होते हैं एस्पिरेंट्स की पता नहीं कैसा सवाल आ जाए कि कभी तो ऐसा सुना जाता है कि सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं तो वो काउंट करके जाते हैं बाल बाल बाल। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूछ दिया जाए मैंने अपने इंटरव्यू के लिए कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया था ओके फॉर सिंपल रीजन मुझे पता ही नहीं था पूछेंगे क्या ओके ओबियस यस ये तो फिर मैं क्या प्रिपेयर करूँ हाँ मेरा जिसको आजकल आप डैप बोलते हैं हमारा बायोडाटा है मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स के अलावा क्या करूँगा Hmm. अब आपको लगता है कि इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है मेरा वही सवाल है कि क्या प्रिपेयर करेंगे आप मैं बस वही पूछना चाह रहा हूँ कि, कि एस को आप ये बताएं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूअर। अगेन द गाइडलाइंस आर इन द पब्लिक डोमेन ओके सबसे बड़ी गाइडलाइन जो है वो लोग शायद मिस कर जाते हैं कि इट इज़ अ परपिव कॉन्वर्सेशन या परपजफुल कॉन्वर्सेशन रादर दैन एन इंटरव्यू अब इसीलिए तो इसको इंटरव्यू नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सनलिटी टेस्ट क्या yes. आप अंदर आए आपका कंफर्ट लेवल क्या है यू आर रीजनेबली वेल ड्रेस्ड मतलब hmm. आप घुमा घुमा के जवाब तो नहीं दे रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं जहाँ आपको नहीं आता यू आर एडमिटिंग मुझे नहीं आता दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी लुक एट आपके दस सवाल में से आपको साथ नहीं आते थे दैट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट और यू खुद ही कहता है कि आपकी जो नॉलेज है दैट इज़ टेस्टेड इन द रिटर्न तो यहाँ पे नॉलेज हम नहीं देख रहे हैं वी आर लुकिंग एट आइडिया पर्सनैलिटी और अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी देख रहा हूँ तो इसमें प्रिपरेशन जैसे मैंने कहा तीन ही चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं जो मैंने डेफ में लिखा है करंट अफेयर्स में क्या है, क्या है मेरे ऑप्शनल में क्या है hmm. बाकी इट इज़ योर पर्सनैलिटी दैट इज बिंग ट्रेस्टेड मेरे इंटरव्यू में चेयरमैन के सात आठ सवालों में से मुझे एक भी नहीं आता सर एंड आई कैप्टिंग सर आई डोंट नो एंड आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट थिंग आई डिड अमेजिंग नहीं आता नहीं आता इतना काम हो जाना एक बड़े के बाद होता है सर आई थिंक जो प्रिपेयर नहीं होते हैं उनको बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी ओवरफ्लो होती है जब आई थिंक आप प्रिपेयर थे सब चीजों में अब यू आर लाइक कि क्या ही है इसका पैटर्न कि मुझसे क्या पूछा जाएगा तो आप बहुत कूल थे और आप कह रहे हैं कि वो कूलनेस की ही बात होती Definitely. है कितने कम्फर्ट हैं तो एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे अगर कुछ नहीं आया गया मैं साफ बोलनू का मुझे नहीं आता यस एंड इट वर्कड पर वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप करने की जरूरत है देन यू टेल मी इससे बेटर ऑप्शन क्या है, <laughs> <laughs> है कोई और ऑप्शन क्या है ओके okay. जाते-जाते सर क्योंकि आपकी कहानी बहुत यूनिक है आ, लोग ओवर प्रिपेयर हो जाते हैं आप सर्विस में काम करते-करते हुए आपने बहुत सारी चीजें सीखी इतने कम एज एज में आपने इतनी सारी चीज़ों को हैंडल किया इंटरनेशनल बॉडीज़ बहुत सारे जगहों पर आपने काम किया लबासना में आप लेक्चर रहे हैं भी भी भी। बहुत सारी चीज़ें आपने क्लोजली देखी है जाते जाते हमारे नए एस्परेंट्स को ऐसी कुछ बात बताइए जो बड़े होकर के आपके जैसा बने और आपके जैसा एक हेल्दी इन्वॉर्मेंट डेवलप करने में योगदान दें देखिये क्योंकि आप कह रहे हैं मैं एस्पिरेंट से बात करूं तो मैं एस्पिरेंट से बात करूंगा मेनली अबाउट दिस एग्जाम ओके एक ये जो ओवर हाइप क्रिएट हुआ है इसको मत मानिए नंबर वन दूसरा याद रखें इट्स ओनली एन एग्जाम और भी हमने बहुत से एग्जाम दिए हैं क्लास okay. टू में भी दिया था फाइव में भी दिया था टेन में भी दिया था ग्रेजुएशन hmm. में भी दिया था hmm. ये डिफरेंट एग्जाम है बट अ डिफरेंट एग्जाम डज नॉट मीन अ डिफिकल्ट एग्जाम वाओ एंड डिफिकल्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड जो आता है वो आसान है जो नहीं आता है वो मुश्किल मुश्किल है तो ये जो स्टैंडर्डाइज बातें लोग करते हैं इसमें ना जाए आप लोग एंड mm -hmm -hmm. जैसा मैंने शुरू में कहा मेकअप योर ओन माइंड कि अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है आप खुद सोच के बताएं क्यों डिफिकल्ट है mm -hmm. इन्होंने कहा इन्होंने कहा मैंने कहा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट अगर आपको लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है इवन दैट आंसर यू शुड कम अप विद तीसरा डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट यू कांट जो मर्जी करते हो डेफिनेटली

अगर बहुतों ने पास किया तो जस्ट रिमेंबर दे आर एज ह्यूमन एज यू आर एंड आई आई थिंक अगर ये दो चार चीजें आपके दिमाग में आ जाए आई थिंक योर जर्नी विल बिकम मच मोर कंफर्टेबल और ये बातें आपको सर्विस में के बाद बहुत काम आएंगी स्टे काम सेट रीजनेबल टारगेट्स वर्क टूवर्ड्स दम विद नोट आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा और मैं सच बताऊं सर बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि ये कहा जाता है ना कि हमारे ज़माने में वो एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग हम लोग उसको वो बना देते हैं कि अरे मतलब आपके ज़माने में हमारे यहाँ पर इट्स इट्स लाइक कि आप एक्सपीरियंस के तौर पे जो बता रहे हैं वो हमारे एस्पिरेंट्स को आगे बहुत काम आने वाला है तो ऑलवेज रिमेंबर यू पे सीज अ डिफरेंट एग्जाम बट नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम और स्टे काम और ऐसे ही आप हमारे वीडियोज़ देखते रहें सर की बातों को अच्छे से समझे कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल डालें थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर टाइम थैंक यू सो मच थैंक यू